रिग्रेट है, एक्साइटमेंट तो है क्योंकि मैम ने बहुत मेहनत की है और बेसिकली डायरेक्शन इनका ही था, तो अभी मुझे वो सब याद आ रहा है, जितने भी दिन हमने गोवा में शूट करने के लिए बिताए या फिर मुंबई में भी जितना हमने शूट शेड्यूल कंप्लीट किया, वो सब अभी मुझे आते वक्त याद आ रहा था और एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ती जा रही थी। डेफिनेटली मैं इतना ही कहना चाहूँ कि एक बार सबने देखना चाहिए तो प्रोडक्ट क्या है, आपको भी समझेगा और आपको भी तारीफ़ करने का मौका मिलेगा। और हमने जो मेहनत की हम सब ने बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं हैं, तो उन्होंने भी बहुत जान लगा के मेहनत की है, तो उनकी मेहनत देखने ज़रूर सब लोग आइएगा, इतना ही कहना चाहूँगा। बेसिकली जब मैम ने मुझे अप्रोच किया था ये फिल्म करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कि इसके अंदर एक मैसेज है। मैंने बोला तो मैसेज तो हर एक फिल्म में होता है, बट डेफिनेटली शी हैड अ सोशल मैसेज विद इट। तो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली इट्स अ लव स्टोरी, बट आफ्टर दैट लव स्टोरी एंड अलॉन्ग विद दैट लव स्टोरी देर इज़ अ सोशल मैसेज, जो मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से मतलब सबको फॉलो करना चाहिए आज की डेट में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन, सो आई थिंक एवरीवन शुड ऑप्ट फॉर इट। और सभी ने, ये एक नई चीज़ है ऑर्गन डोनेशन, शायद बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते, जो करते वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोनर्स है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे फिल्म में समझाने की कोशिश की है, तो उसके लिए कम से कम आप वो फिल्म देख सकते हैं। सब उन पे छोड़ा है और इन पे छोड़ा है, बाकी सब आपके हाथ में, आशा अपेक्षा है आपसे, आप ही बताएंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, फिल्म का टाइटल है लकी एंड हैप्पी, और लकी एंड हैप्पी जो है वो आई डोनेशन के ऊपर है, और जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हीरोइन को कि उसका हीरो जो है बेसिकली फ्लर्टी है, लेकिन वो फ्लर्टी नहीं है। जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, जैसे कि कहते हैं ना होम करते वक्त हाथ जलता है, तो उसी तरह जब आप अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बदनामी भी के दाग भी लग जाते हैं, क्योंकि काजल की कोठरी में कितने भी सयाने जाएं, एक रेक काजल की लागे रे लागे। और अनीता आंटी ने, हमारी आंटी हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत से की है फिल्म, और इनके बेटे ने भी डायरेक्शन में और राइटिंग में साथ निभाया है, और मुझे लगता है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आई डोनेशन के ऊपर इस ढंग की पहली मराठी फिल्म होने के लिए इनको अप्रिशिएट किया है, और वो अपनी तरफ से इनको 2 करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस भी किया है। अब देंगे कब वो बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकारी मामला है, आते आते आता है, जब वक्त चला जाता है तब मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है। दोस्तों, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि अनीता जी ने बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी फिल्म लिखी है और बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है। आज के दौर में जहाँ फिल्म बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा कठिन काम है पिक्चर को पर्दे तक लेके जाना। तो आज अनीता जी ने अपना जो मकसद था, जो एक मंजिल होती है राइटर डायरेक्टर की, स्क्रीन पर ऑडियंस तक पूरी पिक्चर लेके जाना, बड़ी मेहनत से बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और जैसा कि फिल्म के टाइटल में भी लकी भी है और हैप्पी भी है, तो दोनों खुशी के साथ मैं चाहता हूँ कि दर्शक इस पिक्चर को देखें और अनीता जी को शुभकामनाएं दें कि वो इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में बनाती रहें। और मैं जहाँ तक बात बताता हूँ कि आज मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, क्योंकि जब से वो शरारत जैसी फिल्म बनी है और सुपर डुपर हिट हुई है, तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरी पिक्चर भी सुपर डुपर हिट हो। लेकिन एक सफल फिल्म बनाने के लिए एक आदमी की तपस्या होती है, एक साधना होती है, जो साधना और जो तपस्या अनीता जी ने की है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर चले, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म की जो हाईलाइट है वो है जयश्री टी। जयश्री टी ने बहुत से कॉमेडी सीन्स किए हैं, डांस किया है और भी बहुत सीन्स किए हैं, लेकिन इस फिल्म में जो मदर का इमोशनल रोल जिस ढंग से निभाया है, लगा नहीं कि ये जयश्री टी है, ऐसा लगा कि एक माँ है जो इस रोल को निभा रही है। और इसके हीरो ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज ए प्रोड्यूसर, क्या कुछ कहना चाहिए? एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर भी मैं ही, मेरा बेटा है साथ में मेरे, बहुत मदद किया है। पहली बात तो ये है कि मैंने छोटे छोटे
बंगाले हैं। मैंने भी इस फिल्म में एक रोल, छोटा सा रोल किया हुआ है। मैं संकेत पाठक जी का दोस्त और इनका फैमिली फ्रेंड बताया गया हूं, और मैंने पिक्चर में ब्रांच मैनेजर का रोल किया हुआ है। और हम लोग सभी चाहते हैं कि ये पिक्चर सब लोग देखें, जिसमें एक ये संदेश दिया गया है कि आई डोनेशन मरने के बाद हम लोग उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी को हेल्प हो जाएगी, एक दो अंधों को दृष्टि मिल जाएगी। बस यही शुभकामना के साथ हम लोग ये फिल्म सबके सामने ला रहे हैं। चाहता हूँ कि सब लोग इसे देखें और इसका एंजॉय लें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत वाघ। मैंने भी इस फिल्म में छोटा सा एक रोल किया है बैंक में, और मैडम का स्वभाव इतना अच्छा है, मैडम ने इतने अच्छे तरीके से हमको सिखाया और बहुत मज़ा आ गया फिल्म में। ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी और हर थिएटर में चलेगी। मैं सबको, दर्शकों को विनती करता हूँ कि आप अपने नज़दीकी थिएटर में जाइए और ये फिल्म देखिए, और आपका जो भी अनुभव है हमें शेयर कर दिए। नमस्ते। आज की तो गर्मी की वजह से घबराता हूँ। आज की जो सत्कार मूर्ति है अनिता नाइक जी, उनको मैं बचपन से जानता हूँ, और वो बचपन से एक क्षेत्र के बारे में बहुत पॉजिटिव थी, और उनकी एक उनका सपना था ये। उन्होंने दूरदर्शन में भी काम किया है और छोटी छोटी सीरियल में भी काम किया है उन्होंने, तो उनकी एक उनका एक सपना था कि एक फिल्म बने, तो उनके लड़के ने उनको बहुत बड़ी हेल्प करके ये फिल्म बनाई है। और मैं भी चाहता हूँ ये फिल्म सभी प्रेक्षक देखे और उसको अच्छा रिस्पांस दे। वही तो मैं फिल्म देखने के लिए आया हूँ, और मेरी तो पूरी सभी शुभकामनाएं, ये जितना भी प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए मेरी शुभकामना है, और ये फिल्म बहुत चले ये मेरी खुद की कामना है। नमस्ते, मैं ज्योति निसर। मैं अनिता जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि पहली बार किसी को ब्रेक देना ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने पहली जो पिक्चर की थी शिव शक्ति, उसमें मुझे 4 गाने लिखने को बोले थे, और इसमें भी मैंने गाना लिखा है, और ये पहली बार ऐसे हुआ कि किसी ने मुझे ब्रेक दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब प्रोडक्शन वगैरह बहुत अच्छा था, सब हम घुल मिल के जैसे एक हमारे एक फैमिली हो गई थी, और इतना अच्छा काम सब लोगों ने किया। और हम चाहते हैं कि अनिता जी की फिल्म ये बहुत बहुत चले, और सब लोगों की शुभकामनाएं तो हमारे साथ है ही, और अनिता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये जो नटू न थटू न जो गाना है, सुनिए एक मिनट, नटू न थटू न नवरी आली, ये जो गाना फेमस है आज, वो इसी ने ही लिखा हुआ है। थैंक यू। यहाँ सभी अनिता चालीसा पढ़ रहे हैं तो क्योंकि वही सूत्रधार है, शी इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एवरीथिंग, शी इज अ होल सोल, दैट्स व्हाई एवरीवन इज अनिता चालीसा बोलेंगे। नहीं, बस 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारा अनुभव है, स्टेज बहुत किया है, 700-800 शोज किए हैं, रेडियो किया है, सीरियल्स बहुत किए हैं, फिल्म की है, तो उसका यह अनुभव तो मैं ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के ही कर सकती हूँ ना, और कुछ नहीं, उसी का ये यश है और कुछ नहीं, मेहनत है। क्या करना चाहिए?
Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.